नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आप हम सब इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी ग्रह अच्छा हो, बुरा हो, ऊंचा है, नीच का है, उसके इफेक्ट हर व्यक्ति की लाइफ में जबरदस्त रूप से होती ही होती है। स्पेशली जब राहु, शनि, केतु, मंगल ऐसे ग्रह जब आपको परेशान करते हैं तो उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक चीज होती है दोस्तों, मान लेने वाली बात है कि ग्रह दोष भी हमें तभी परेशान करते हैं जब हमारे कर्म कहीं न कहीं खराब हुए होते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम कभी कभार ईर्ष्यावश, ये मेरा अपना अनुभव है दोस्तों, मैंने काफी परिवारों में ये चीज देखी, कुछ लोग ईर्ष्या के लिए कई घरों में कई महिलाओं को जैसे मैंने देखा कि उन्हें सिर्फ इस चीज की ईर्ष्या हुई कि मेरे कंपैरिजन में इस परिवार में ये लेडीज, इसको सब तरीके के सुख है, मुझे क्यों नहीं है। और उसके बदले में उसने जो कुकर्म किए, तो ये जो कुकर्म आदमी करते हैं इसका फल जब आपको भोगना पड़ता है तो आपके साथ आपका पूरा परिवार भी भोग रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा, कहा जाता है दोस्तों कि जैसे किसी तीर्थ के लिए बस निकल रही है, किसी अच्छे काम के लिए निकल रही है, कहीं टूरिंग के लिए भी निकल रही है, कहते हैं कि अगर एक अभागी बैठा है उसके अंदर तो पूरी बस पलट जाती है। और एक यदि भाग्यवान बैठा है, कोई अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति बैठा है, तो पूरी बस के पैसेंजरों को बचा ले जाता है, बस नहीं पलटती है, इस टाइप की मतलब जो काफी बातें होती है। तो इनके पीछे का ध्येय ही ये होता है कि आपके जो कर्म है यदि वो अच्छे हैं तो कोई ग्रह नक्षत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मजबूत ग्रह नक्षत्र का व्यक्ति जब तक जहां बैठा रहेगा वहां वो अपने साथ दूसरे लोगों की जिंदगी को भी अच्छी बनाए रखता है। सेम इससे उल्टा होता है, बुरे नक्षत्र का व्यक्ति, बुरे ग्रह नक्षत्र से त्रसित व्यक्ति जहां होगा वहां उसकी इफेक्ट दूसरे लोगों की लाइफ में भी बहुत बुरी तरीके से पड़ रही होती है। आपने देखा होगा दोस्तों, कितने परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, उसमें एक या दो महिलाएं या एक या दो पुरुष बहुत जबरदस्त ढंग से कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते हैं, षड्यंत्र रच रहे होते हैं, परिवार के लोगों को एक दूसरे से भिड़ा देना, लड़ाई झगड़ा करवा देना, कैसे किसको नीचा दिखाना है। तो इस टाइप के जो कर्म करते हैं ऐसे परिवारों से, ऐसे कर्म करने वाले लोगों से कितने ही परिवार त्राही माम हो जाते हैं, कितने ही परिवार नष्ट हो जाते हैं। बहुत बुरे ग्रह की छाया होती है ऐसे लोगों पर, है ना। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर भी कोई बुरे ग्रह की छाया है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप बेसिकली बहुत अच्छे हैं, फिर भी आपके साथ बुरा होता है, आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं लेकिन आपको अच्छा रिपेमेंट नहीं मिलता है, हो सकता है आपके कर्म अच्छे हों लेकिन जिन लोगों का आप साथ दे रहे हैं अपना समझकर, उनके कर्म अच्छे ना, उसका भी फल बहुत बड़ा इंसान को पेमेंट करना पड़ता है। संगत बोलते ना, संगत अच्छी करो, संगत करो महान की, जो करत धरत बन जाए तो सिर पर चढ़े गणेश के और सम्मुख गंग नहाए। दोस्तों, इसका मतलब ही एक गंदगी में रहने वाला कीड़ा, उसने दोस्ती कर ली थी भंवरे से, गंदगी में के रहने वाला कीड़ा गंदी जगह रहता था लेकिन उसकी दोस्ती भंवरे से, तो भंवरा एक दिन उसे ले गया फूलों के पास। दोनों बैठ करके फूल का रस चूस रहे थे, तभी संध्या समय था तो फूल बंद हो गया। सुबह माली आया फूल तोड़ने के लिए, उसने उस फूल को भी तोड़ लिया जिसके अंदर वो भंवरा और वो कीड़ा बैठा हुआ था। वो फूल ले जा करके उसने गणपति जी पर चढ़ा दिया, गणपति जी को अर्पित कर दिया और गंगा जल चढ़ाया ऊपर से, तो भंवरे के साथ साथ उस कीड़े की भी पूजा हो गई, फूल खिल उठा, दोनों निकलकर उड़ गए। लेकिन क्या आप सोच सकते थे कि कभी ये गंदगी में रहने वाले कीड़े की पूजा हो सकती थी? लेकिन हुई, सिर्फ क्यों? अच्छी संगत की वजह से। अच्छी संगत इंसान को बहुत आगे ले जाती है और बुरी संगत इंसान को पटक देती है। फिर वो बुरा व्यक्ति आपकी वाइफ हो सकती है,
आपका भाई हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है, है ना। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति का आपको साथ हो या आपको खुद को ऐसा लगता हो कि कोई खराब कर्मों की वजह से, मतलब मुझे परेशानी हो रही है चाहे किसी भी वजह से हो रही है, इन शॉर्ट क्योंकि समय बहुत बड़ी चीज है, समय जब आपके साथ रोल अदा करता है बहुत जबरदस्त अदा करता है। आप कितनी बार देखना, आप बहुत पावरफुल होते हैं लेकिन कितनी बार कीड़े जैसा इंसान आकर के आपको नीचा दिखा देता है और आप बिलीव नहीं कर सकते कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये इंसान इसने मेरे साथ ये कर दिया, लेकिन वो कर चुका होता है जिसकी आपके सामने कोई औकात नहीं होती है। तो समय बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। आपने सुना होगा कहा जाता है तुलसी नर का क्या, तुलसी नर का क्या बड़ा बड़ा समय बड़ा बलवान, तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, भील ने लूटे गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तुलसी जी कहना चाहते हैं कि इंसान कोई बड़ा नहीं होता, समय ही होता है, जो भी है वो समय है। अर्जुन के एक बाण से दुनिया थर थर कांपती थी, वही अर्जुन थे वही बाण थे और उनके सामने भीलों ने गोपियों को लूटा था और अर्जुन कुछ नहीं कर पाए, उनके बाण बिल्कुल शक्ति रहित हो गए। तो समय बहुत बड़ा होता है, समय को हमेशा सम्मान दो। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बहुत पावरफुल हैं और एक छोटा सा तिनका हमारी आंख में आकर के गिर जाता है और हम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो कभी कभार कभी भी दुश्मन को छोटा कमजोर नहीं समझना चाहिए और समय को हमेशा पहचाने, समय को हमेशा सलाम मारे और समय आपका बलवान बना रहे, सारे ग्रह नक्षत्र आपके सही दिशा में चलते रहे, इसका एक छोटा सा उपाय है। आप इस उपाय को रविवार के दिन करें, बुधवार के दिन करें ज्यादा बेहतर होगा, शनिवार को भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको क्या करना है, थोड़े से जौ लेना है कटोरी में और उस जौ को आपको अपने घर के नैऋत्य कोने में रखना है, हमेशा आप थोड़े से जौ घर के नैऋत्य कोने में रख दें और उसमें से तीन जो, मतलब समझो एक दिन जैसे आपने रख करके रखा है, एक दिन हो गया डेढ़ दिन हो गया, तो उसमें से तीन दाने आप निकाल लें। निकाल करके आपको जरा सा सिंदूर लेना है और सिंदूर में उसको लपेट देना है, लपेट करके छोटी सी डिबिया या जरा सी उसकी छोटी सी पुड़िया बनाए और अपने इष्ट देव को याद करें, जो भी आपका इष्ट देव हो, जिस देवी देवता पर आपको पूर्णतः विश्वास हो, आप उसकी उसके उसके मंत्र की 108 बार, मतलब उसका मंत्र जाप आप कर दें, कम भी कर सकते हैं, और जो आपकी कुलदेवी हो उन्हें आप याद करें, 5 बार आप उनका मंत्र जाप कर दें। यदि आपको अपनी कुलदेवी का पता ना हो तो ओम नमो कुलदेवी भ्याम नमः, मेरी रक्षा करें और उस पुड़िया को हमेशा अपनी जेब में रखें। तीन दाने गिन करके आपको रखने हैं जौ के, ये तीन दाने जौ के जब आप अपनी जेब में रखते हैं, वह दिन यदि गुरुवार का दिन है तो बहुत बढ़िया रहेगा, अन्यथा जो वार आपके लिए सूटेबल हो उस दिन आप इस पुड़िया को अपनी जेब में रख लें और हमेशा रखी रहने दें। घर के नैऋत्य कोने में जौ हमेशा रख करके रखें। यदि आप जौ को मिट्टी में डाल देते हैं और थोड़े से जिससे फलित हो जाते हैं और उन्हें आप रखते हैं नैऋत्य कोने में, तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा, बहुत अच्छा आएगा, आपके सारे ग्रह नक्षत्र सीधे चलेंगे। कैसे भी बुरे व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं लेकिन आपके ऊपर उसकी इफेक्ट नहीं होगी। कितने बार आपके साथ रहने वाला व्यक्ति दोस्तों आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अपनी जगह से हटाने के लिए, आपको उसके आपको अपने प्लेस से नीचे उतारने के लिए बहुत हल्की हल्की हरकतें कर रहा होता है लेकिन आपको पता नहीं होता है। आपको ये दिखाई देता है कि ये व्यक्ति जो आपके साथ गलत कर रहा है वो ये व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति को तैयार करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो आपका दुश्मन है, छुपा दुश्मन जो आपके साथ ही होता है। जब आप ऐसे जो अपने पास रखेंगे तो उस ऐसे व्यक्ति की जो कॉन्स्पिरेसी है वो उल्टा काम करेगी, उसी कोई भी कॉन्स्पिरेसी आपके खिलाफ काम नहीं कर पाएगी। यदि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कोई उल्टी चाल चलता भी है तो थोड़े ही समय में वो ऊंधे मुंह गिरेगा, आपका कैसा भी शत्रु हो।
उसकी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगी। कोई भी विरोधी शक्ति आपके अगेंस्ट में काम करना चाह रही है तो उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। आपको अपनी जगह में संपूर्ण लाभ होगा, आप अपनी जगह को बनाए रख पाएंगे। तो यदि आप ऐसे शत्रुओं को लेकर के परेशान हैं, आप जानते हैं आपके शत्रु घर के अंदर है या घर के बाहर है। कितनी बार ऐसा हो जाता है दोस्तों, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी होती है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये व्यक्ति ही है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, लेकिन हम उसका नाम नहीं बोल पाते हैं। यदि आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं, इस टाइप की चीजें हमेशा अपने पास रखें। इस टाइप के जो गंदे लोग हैं उनके काम सफल नहीं होंगे और आपके सारे ग्रह नक्षत्र सीधे सीधे चलेंगे, जो बहुत पावरफुल चीज है। तो करते रहो, खुश रहो, जय श्री कृष्ण।